चंगाई के तेरे पवन वास होवे, रूह मेरी प्यासी तेरी तप दिया तुपा विच हिरनी दी प्यास होवे। पहले हमने गाया जेड़ा दिन तेरे चरणा च लंघ जावे ओ सौ दिन तो अभी हम गा रहे हैं सोने दिया महलां नालों। Now we're singing better than golden It's better to reside in your presence. इस बात का क्या मतलब है? What does this mean? जैम सोने के महलों में भी नहीं है। You don't get peace in golden castles. People have lots of money. लोगों के पास बहुत पैसा है। Lots of possession. उनके पास बहुत सारा चीजें हैं। So many authorities. उनके पास बहुत सारी अधिकार है। But they have no Jesus. और उनके पास यीशु नहीं। They have no peace. उनके पास शांति नहीं। आपके पास यीशु है। You have Jesus. मेरे पास यीशु है। I have Jesus. हमारे पास शांति है। So we have peace. और वो सोने के महलों से अच्छी है। And it's better than golden castles. इंडिया में, in India, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ। I meet such people. जिन्हें अपने सराहने से पैसे भर के सोते हैं। That fill their pillows with money. पर जब वो मेरे पास आते हैं, or when they come to me, वो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, रात को नींद नहीं आती। They say, pray for us, we can't get good sleep at night. हम दो रोटियां खाते हैं, तीसरी नहीं खा पाते हैं। We eat two rotis, but we are not able to eat the third one. पर हमारा परमेश्वर कितना है? अच्छा है, भला है, जब हमें ये परमिट करता है कि तुम जितनी मर्जी खाओ। But our God is good and who permits us to eat as much as we want. लोग एक सिगरेट पी के शांत होना चाहते हैं। People want to smoke a cigarette and feel comforted. उन्हें 5 मिनट की शांति मिल जाती है। They get the comfort. शराब की बोतल पी के शांत होना चाहते हैं, उन्हें एक रात की शांति मिल जाती है। They drink liquor and they get comforted for a little while. 3 घंटे की मूवी देखकर शांत होना चाहते हैं, उन्हें 3 घंटे की शांति मिल जाती है। They watch a 3-hour movie, they get comforted for 3 hours. लेकिन वो फिर अशांत होते हैं। But then again, they get uncomfortable. वो फिर परेशान होते हैं। And they become worrisome. मैं आपको एडवाइस करता हूँ, यीशु के पास आ जाओ, आपको हमेशा हमेशा की शांति मिल जाएगी। Nice. क्योंकि सोने दिया